हाय फूडीज, कुक विद फूडीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम कौन कोरमा बनाएंगे रेस्टोरेंट स्टाइल में, जो बनाने में बहुत सिंपल है और बहुत इजी और खाने में भी बहुत यमी है। तो आइए हम शुरू करते हैं कौन कोरमा बनाना। कौन कोरमा बनाने के लिए सबसे पहले हमने 1/4 कप कोकोनट ग्रेट करके लिया है, 10-12 काजू के पीसेस और 2 टीस्पून खसखस दाना। इसको हम मिक्सी में थोड़ा सा पानी डाल के इसको एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। देखिए, फाइन पेस्ट बिल्कुल तैयार है। अब हम एक पैन में 3 टेबलस्पून ऑयल चढ़ाएंगे और इसमें हमने बड़ी काली इलायची जो होती है उसको दरदरा कूट के वो हम इसमें डालेंगे ऑयल गर्म होने पे। इसको थोड़ा सा चलाएंगे। अब इसमें हमने 2 मीडियम साइज अनियन लिए हैं, जो बहुत ही बारीक काट लिए हैं, वो डाल रहे हैं। और इसको सेम फ्लेम पे लगातार चलाते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक हम भूनेंगे। देखिए, गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। अब इसमें हम 1 टीस्पून बिल्कुल बारीक कटी हुई अदरक डालेंगे और उसको थोड़ा सा चलाएंगे। अब इसमें हमने जो पेस्ट बना के रखा था, काजू है, नारियल है और पोस्ता दाना का, वो हम इसमें डालेंगे और अच्छे से चलाते हुए, लगातार चलाते हुए इसको भूनेंगे जब तक ये हमारा ऑयल ना छोड़ दे। लगातार सेम आंच पे चलाते हुए हम इसको भून रहे हैं और ये ऑयल छोड़ने लग गया है। अब इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला और 1/2 टीस्पून शुगर डालेंगे और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। अब इसमें हम 2 बारीक कटी हुई हरे मिर्च डालेंगे, जिसके हमने बीए निकाल लिए थे फिर काटा था। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। देखिए कितना सुंदर कलर आ रहा है। अब इसमें हमने एक बड़े साइज का टमाटर लिया, जिसको बारीक काट लिया है, वो हम इसमें डाल के मिक्स करेंगे, अच्छे से चलाएंगे, भूनेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, 2 टेबल स्पून, और इसको मिक्स करेंगे और इसको सेम आंच पे हम ढक के 3-4 मिनट पकाएंगे और बीच में चलाते रहेंगे। देखिए, अब हमारे 3 मिनट हो गए हैं और ये ऑयल भी छोड़ने लग गया है। टमाटर हमें बहुत ज्यादा नहीं गलाना है, बस ऐसे ही रखना है। अब इसमें हम 1 कप फ्रेश दही, जो हमने फेंट के रखा है, वो इसमें हम डालेंगे और लगातार चलाते हुए इसको मिक्स करेंगे और एक बॉयल आने तक इसको लगातार चलाएंगे, जिससे हमारा दही फटे नहीं। देखिए, एक उबाल आ गया है और कलर भी कितना सुंदर आ रहा है और हमारे टमाटर भी बिल्कुल नहीं गले हैं। देखिए, बिल्कुल खड़े खड़े से हैं और ग्रेवी भी कितनी बढ़िया थिक बनी है। अब इसमें हम नमक ऐड करेंगे स्वाद के अनुसार और अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें हमने 1 कप फ्रोजन कॉर्न लिया है, वो डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, अप्रोक्स 1/4 कप, और चला के ढक के 3-4 मिनट के लिए पकाएंगे। देखिए, हमारे 4 मिनट हो गए हैं और हमारे कॉर्न कोरमा बिल्कुल रेडी है।
कितना सुंदर कलर आया है। अब इसको हरे धनिए से गार्निश करके गर्मा गर्म सर्व करिए। दोस्तों, अगर हमारे कॉर्न कोरमा की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर क्लिक करिए, जिससे आपको हमारी रेसिपी का वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। हम फिर हाजिर होंगे एक नई रेसिपी के साथ। नमस्कार।